हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टाइटैनिक का शिप एमएस पेंट में ये तैयार करना बताऊंगा। इसके लिए हम सबसे पहले ये एक लाइन लेंगे। ये देखिए मैंने एक लाइन ले ली, ये एक मैंने लाइन ले ली है। इस लाइन को हम थोड़ा सा एंगल हम टेढ़ा कर देंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। अब एक कर्व लाइन लेंगे, ये देखिए मैंने इस ये कर्व लाइन इस तरह से खींचेंगे और इस कर्व लाइन को अंदर की तरफ हल्का सा हम कर्व देंगे, ज़्यादा नहीं बहुत ही कम। इसी तरह से एक और कर्व लाइन लेंगे लेकिन वो इससे छोटी होगी और वो हम पीछे की साइड बैक साइड, और इसको भी हम अंदर की तरफ थोड़ा अधिक कर्व देंगे। ये देखिए मैंने कर्व लाइन दे दी। अब एक लाइन लेंगे, एक और कर्व लाइन लेंगे, ये दोबारा एक और कर्व लाइन लेंगे। इस कर्व लाइन को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम मिला देंगे और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व करेंगे। ये देखिए ये हमने कर्व कर दी। अब एक लाइन हम यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे और इस एक लाइन को हम ड्रॉ करने के बाद अब एक लाइन हम इस तरह से यह यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच देंगे इसके हाफ तक और इसको वापस से यूँ मर्ज कर देंगे। ये देखिए जो मैंने मर्ज की है, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हमें डिलीट कर देना है या इरेज कर देना है। ये देखिए इसी तरह से इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर वापस से और बढ़ाएंगे और वापस से ये एक लाइन ये भी इधर बढ़ाएंगे हल्की सी और वापस से एक लाइन हम इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा सा आगे पॉइंट लेंगे और यहाँ से यहाँ पे ये लाइन हम मिला देंगे। ये देखिए मैंने ये लाइन मिला दी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ये देखिए ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ये इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। एक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसको यूँ एंगल की तरह एंगल दे, ये देखिए मैंने एंगल दे दिया है। अब इसी तरह से ये एक इसके इस कोने से एक लाइन इस तरह से आप एंगल दें और अब एक लाइन ये ड्रॉ कर दें। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर दी स्टैंडिंग में। जो एक्स्ट्रा लाइन है आप उनको डिलीट कर दें या इरेज कर दें जैसे कि मैंने की है। ये देखिए मैंने डिलीट कर दी, ये एक जो भी एक्स्ट्रा लाइन है वो आप डिलीट कर दें। ये देखिए अब आप सिलेक्शन टूल में से फ्री फॉर्म सिलेक्शन लें और इस वाले सिलेक्शन को आप सिलेक्ट करके कॉपी करें। यहाँ से फिर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन होना चाहिए। अब हम इसको कॉपी किया और पेस्ट कर लें। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको अपसाइड इसके अपसाइड रख लें जैसा कि मैंने इसको रखा है। एक और बार पेस्ट कर दें और एक और बार आप इसको इसके अपसाइड रख दें जैसा कि मैंने रखा है। अब आप एक बॉक्स ड्रॉ करें, उस बॉक्स को आप इसके बिल्कुल इक्वल इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें। ये देखिए जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है। ओके दोस्तों, ये ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने के बाद आप इसकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो लाइनें खिंच गई है, उनको हटा दें। हटा दिया। अब हमें एक लाइन खींचनी है यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा एंगल देना है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींच दी और इसके बाद ये फिर एक और लाइन खींचेंगे और फिर इस तरह से ये हमें एक लाइन खींच देनी है और ये लाइन खींच दी मैंने। ओके दोस्तों, अब इन जो एक्स्ट्रा लाइन बनी है इस लाइन को हमें यहाँ मर्ज कर देना है, मिला देना है और एक्स्ट्रा लाइन को हमें हटा देना है। वापस से इन लाइनों को हमें ये पीछे की तरफ मिला देना है। ये देखिए ये हमने मिला दी। ये देखिए ओके दोस्तों, इसी तरह से इस लाइन को भी हमें इधर मिला देना है और इस लाइन को भी हमें इधर मिला देना है। ये मैंने मिला दी है जैसे इसी तरह से आपको भी इनको मिला देना है और ये इरेजर टूल से ये एक्स्ट्रा लाइनों को हटा दिया है। अब हमें एक ये लेना है एक सर्कल। ये देखिए ये लिया मैंने
और आप यहाँ पे इसको ये ड्रॉ कर दें। ये देखिए जैसा कि मैंने इसको ड्रॉ किया है, एक, इसके बाद आप गैप लें थोड़ा सा और सेम ऐसा ही एक इससे छोटा थोड़ा छोटा ये ड्रॉ कर दें, दो। इसके बाद आप एक और लें, लेकिन इससे छोटा एक और ड्रॉ करना है आपको। लेकिन ध्यान रहे इसमें ये लाइन आएगी तो आपको क्या करना है, इन लाइनों को फिर इरेजर टूल से हटा देना है। ये देखिए ये ड्रॉ किया मैंने, इसी तरह से एक और इससे छोटा इसके आगे की तरफ, ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमें जो इरेजर टूल से जो एक्स्ट्रा लाइन बनी है इसको जूम कर लें। ये मैंने जूम कर लिया, आपको भी जूम करके, और फिर ये जो एक्स्ट्रा लाइन बनी है इन एक्स्ट्रा लाइन को आप हटा दें। बस कोई लाइन टूटे नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जैसा कि मैं ध्यान रख रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर रहा हूँ, आपको बहुत इजी और बहुत आसानी के साथ ये वर्क करना है। अब वापस से जूम आउट कर दें। अब हमें एक और बारीक इस शिप को हम बीच में ले लेते हैं, जो हमने शिप बनाया है ये नीचे की तरफ ले लिया हमने। अब इसमें एक एक लाइन यहाँ पर आप ये सीधी ड्रॉ कर दें जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिए। ओके दोस्तों, ये देखिए अब हमें एक बारीक लाइन लेनी है, ये एक बारीक पोल लेना है। एक बारीक पोल को आप यहाँ से लेके और यहाँ तक बहुत ही बारीक रहेगा, बारीक पोल को आप यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दें। इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो इससे हमारे इरेजर टूल से हम हटा देंगे। अब कुछ लाइन आपको इसके जो डोर है वो आप इसके कर्व लाइन से तैयार कर लें। ये देखिए इसी तरह से कुछ डोर यहाँ पे, ये देखिए मैंने ये ड्रॉ तैयार कर दी। इसी तरह से ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये तैयार कर दी। और इसी तरह से एक दो और आप इसमें ये शिप का ये जो है ये देखिए ये तैयार कर दिया। अब हमें इसके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए और हमें इसमें नाम भी लिखना है शिप का, तो अभी हमें हमारे इसमें बहुत सा वर्क बाकी है। अभी हमें यहाँ पर ये इस तरह से ये गोल जो नीचे की तरफ खिड़कियाँ होती है वो बनानी है। ये देखिए ये मैंने बना दी और मैंने इसको किया कॉपी और पेस्ट। ये देखिए आपको इस तरह से कॉपी पेस्ट करनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये कॉपी पेस्ट, ये देखिए ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक एक क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये एक साथ सिलेक्टन, क्योंकि हमने एंगल दिया है जहाज को, इस वजह से मैं इसको एक एक ही को, हाँ एक लाइन बन जाएगी, उसके बाद हम दूसरी लाइन के लिए एक साथ सिलेक्शन लेके हम उनको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने, ये देखिए ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। अब आप ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल लें और आपको जितनी चीज़ कॉपी करनी है सिर्फ वही सिलेक्शन ले लें। ये देखिए और कॉपी और पेस्ट, ये देखिए ओके। अब हमारा एक कॉपी पेस्ट का काम हो गया। अब हमें इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए आप ये डिब्बा लें, सबसे पहले तो आप इनमें कलर फिल करें। ये देखिए ये मैंने जो कलर फिल किया है इनमें कलर आप फिल कर दें, फिर आप इस ब्लोर में कलर फिल करें। ये देखिए और ऊपर की तरफ ब्लैक। अब आप नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करना कर दें, यहाँ पे आप थोड़ा लाइट कलर फिल कर दें, या यहाँ पे ग्रे कलर फिल करें, ग्रे कलर ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ये लाइट ग्रे कलर फिल करें और यहाँ थोड़ा सा आसमानी कलर फिल कर दें। इसके बाद आप यहाँ पे ये डार्क कलर फिल कर दें। ये देखिए
और इसके अंदर भी ये डार्क कलर फिल कर दें। तो देख अब हमें वाटर बनाना है, पानी बनाना है। तो पानी बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इधर से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इधर भी एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने एक सबसे पहले एक ये लाइन ड्रॉ की है वाटर बनाने के लिए, जो कि पानी सिर्फ पानी में ही होता है। तो अब इसी तरह से एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर दूंगा और हम इसमें कलर फिल कर देंगे, हम इसमें वाटर कलर फिल कर देंगे। हमने इसमें वाटर, ये कहीं से लाइन टूटी हुई है शायद, ये देखिए, देख लेते हैं कहाँ से लाइन टूटी हुई है। अब हम इसमें ये वाटर कलर फिल कर देंगे और ऊपर की तरफ आसमान का कलर फिल कर देंगे। और इसके अंदर जो इसके अंदर हम डार्क कलर फिल करेंगे ताकि हमारा शिप का शेप बना रहे। तो दोस्तों ये देखिए, आज हमने बहुत ही आसानी के साथ एक शिप बना दिया और हम इस शिप को टाइटैनिक शिप बनाया हमने। अब हम इस पर टाइटैनिक नाम लिख देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ टाइटैनिक नाम लिख देता हूँ। तो नाम लिखने के लिए ये मैंने ये टूल लिया और ये मैंने नाम लिखा। अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूँगा। ये देखिए, अब ये देखिए, ये हमारा शिप तैयार हो गया। तो आज ये हमने बहुत ही आसान तरीके के साथ टाइटैनिक शिप तैयार कर लिया। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा।